सुधांशु बोल रहा हूँ। पूरी तैयारी हो गई है? इस बार किसी तरह की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। वेन्यू प्लेस तक हम लोग अलग अलग रास्ते से पहुंचेंगे। सावधान रहना, करण के आदमी और सारे पुलिस ऑफिसर्स वहां जाल बिछाकर हमारे लिए बैठे होंगे। वो सब मैं देख लूंगा, उसका इंतजाम मैंने कर दिया। देखो, ये हमारा लास्ट टारगेट है, हमें किसी भी तरह से इसे अंजाम तक पहुंचाना है। कोई गलती नहीं। अपने सारे हथियार चेक कर लो, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच रहा हूं। ऑल क्लियर। नमस्कार प्रियंवदा देवी जी, कैसी हो कृतिका बेटी? सुना है शादी की तैयारियां हो रही हैं। भागवत जी, आप यहां क्या कर रहे हैं? हम यहां इनके लिए नहीं आए हैं करण। लोगों के बीच में ऊंची आवाज में बात नहीं करते करण बेटे। विशाल प्रदेश में हमको भी जानने वाले लोग हैं। जेंटलमैन, जिंदगी में जीत उसी को मिलती है जिसमें जीतने का जज्बा होता है। जीतने की ख्वाहिश जितनी ज्यादा हो, जीत उतनी ही जल्दी मिलती है। कोई तूफान हमें रोक सकता नहीं, निकले हैं सर पर बांध कर कफन। मौत भी आ जाए तो नहीं कोई गम, दुश्मन का सर कर देंगे कलम। वो आ गया सर। उसे ओपन पैसेज प्रोवाइड करो, अंदर तक आने दो सर, लेकिन उसके लोगों को बाहर ही पकड़ लो। ओके सर। नजर रखो उस पर। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू दिस ईव ऑफ म्यूजिक। फ्रेंड्स, आज हमारे बीच मौजूद हैं विशाल प्रदेश की दो महान हस्तियां, हमारी सीएम साहिबा श्रीमती प्रेमवदा देवी जी, जो कि आज हमारी चीफ गेस्ट भी हैं,
और श्री भागवत जी। और साथ में हैं 24 कैरेट अपकमिंग स्टार ऑफ द म्यूजिक वर्ल्ड मिस्टर राघव सचर। आज की ये शाम कैंसर पेशेंट्स रिलीफ फंड के नाम है और इसी शाम को लाइव बनाने के लिए हमारे बीच लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं मिस्टर राघव सचर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम मिस्टर राघव सचर। क्या हुआ सर? सर इनके पास से कुछ हथियार बरामद हुए हैं। That's it. तुम्हारा और तुम्हारी बॉस का खेल खत्म। ये जाओ ना। सर, समझ गए। सर उसके लिए जो हमने जाल बिछाया था वो हमारे जाल में फंस चुका है। Follow. सर। इस शख्स की हकीकत। कृतिका जो तुम समझ रही हो वो मुझे और कोई कहानी नहीं सुननी। आप लोग जो समझ रहे हैं नहीं जानते थे हम कि हमारी बेटी को खुशियां नहीं आंसू देने आए हैं आप। कर्ण हमसे कहते रहे कि आप देशद्रोही हैं लेकिन हमने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया। यकीन नहीं किया अपने बेटे पर। विशाल प्रदेश का दुश्मन हमारी आंखों के सामने था और हम उसे पहचान नहीं पाए। हमारी ममता हमारे भरोसे को झूठा कर दिया। पता नहीं ताउम्र हम किसी पर भरोसा कर पाएंगे या नहीं। चलो करण। आइंदा हमें चैलेंज करने की गलती मत करना। प्रणाम आदित्य। टेक दिस मैन इनटू कस्टडी। We'll be right back.
मैडम सुना आपका ऑनलाइन दवाई जांच हो रही है पहले से भी क्या इसके बाद आप उसके साथ ही अपने मैडम सुना इसकी बात करना आपको पहले से भी और सुना आपके बेटे को इसके बारे में पैसे होंगे फिर भी उसने आप सब अपने घर में रखा था क्या मैडम आप इसने बताया क्या 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 अगर मुझे पहले ही मालूम होता कि घर का दामाद ही मेरा काम कर देगा तो इतनी सरदर्दी मुझे लेने की जरूरत क्यों पड़ती? आगे आगे देखो होता है क्या। राम सिंह चलो जी। गुस्से में इंसान अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। हाँ कैसे शांत हो जाऊं कैसे? पूरा प्लान चौपट हो गया, सब धरा का धरा रह गया। प्रियंवदा देवी के खानदान में कुछ ना कुछ ड्रामा तो चलता ही रहता है। अगर मुझे मालूम होता कि उनका होने वाला दामाद भी उनकी जान लेना चाहता है तो पहले उनका ही तमाशा देख लेते। उनके दामाद के बारे में आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया। कैसे बताते भागवत जी, जब से आपका साथ दिया है मेरे अपने उस परिवार के साथ पहले जैसे संबंध नहीं बचे हैं। और अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं आपसे क्यों छिपाती भागवत जी? उनके दामाद के लोगों के चक्कर में मेरा हायर किया हुआ नीग्रो अरेस्ट हो गया। मैं जानता हूं पुलिस के आगे मुंह नहीं खोलेगा लेकिन दिमाग तो घूम ही गया ना। मुझे लगता है भागवत जी आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। प्रियंवदा देवी की मौत का अब और इंतजार नहीं होगा। उनकी मौत की गोली पर उनका नाम लिखा जा चुका है। वो अपने दामाद से बच सकती हैं लेकिन भागवत से नहीं। देखता हूं इस बार कौन उन्हें बचाने आता है।